Communication is an extremely important part of any rides, may it be with your co-riders or may it be with your pillion. और आज इस वीडियो में हम एक्सैक्टली उसी पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और कम्युनिकेशन आप इजीली कैसे मेंटेन कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल. यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स. वेल, एज आई सेड, कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप जब भी राइड पे चलते हो, अगर वो ग्रुप राइड है तो ग्रुप राइड में आपके बाकी राइडर्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पीछे छूट जाता है, कभी किसी का ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर ऐसा ना हो किसी के साथ लेकिन कभी कोई हादसा हो जाता है, तो फिर बाकी राइडर्स को कम्युनिकेट करके पूरे ग्रुप को रोकना, या फिर इन जनरल कम्युनिकेशन कि कहाँ पे स्टॉप लेना है या फिर कहाँ पे फ्यूल्स के लिए रुकना है, किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, ये सारी चीज़ें आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करनी होती है. और इस कम्युनिकेशन का सबसे कॉमनली यूज्ड तरीका जो है वो दूसरे राइडर के पैरेलल आके हेलमेट की कांच उठा के दोनों एक दूसरे से बात करते हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, राइट. लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आप 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो, और 100 की स्पीड पे ये जो मेरा मूवमेंट है ना, दूसरे राइडर की तरफ देख के उससे बात करके वापस सामने देखना, इतने टाइम का डिफरेंस आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस बन सकता है. आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, बहुत होता है इतना टाइम किसी कुत्ते को बीच में आने के लिए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एनीथिंग कैन हैपन. और दूसरी बात, आपको चिल्ला के बात करनी पड़ती है, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता तो चार बार बताना पड़ता है, या फिर आपको कम्युनिकेशन सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो इन सारी चीज़ों का एक सिंपल सॉल्यूशन है हैविंग ए इंटरकॉम सिस्टम. इंटरकॉम सिस्टम राइडर टू राइडर कम्युनिकेशन इतना ईजी कर देता है कि आपको ऑलमोस्ट अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे समझो अगर हम चार लोग बैठे हैं और चार लोग एक दूसरे से जिस तरह से गप्पे लड़ाएंगे उस तरह से आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो. इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट ईजी. तो इसी के बारे में डिटेल बात करेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा सिर्फ ब्लूटूथ इंटरफेस कौन से अवेलेबल होते हैं और वो किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं, कम से कम बजट में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, और स्पेशली जो आपके पीछे बैठता है आपका पिलियन, उसके लिए इंटरकॉम का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे पहली बात, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स अवेलेबल. एक तो होते हैं इंटरकॉम सिस्टम्स और एक होते हैं सिर्फ डेडिकेटेड ब्लूटूथ सिस्टम्स. डेडिकेटेड ब्लूटूथ सिस्टम का मतलब है वो सिर्फ आपके फ़ोन से कनेक्ट होगा और वो आपको हेलमेट में आपका फ़ोन का एज अ ईयरफोन काम करेगा. आप कॉल्स रिसीव कर सकते हो, इमरजेंसी केस में कॉल डायल कर सकते हो वॉइस डायलिंग के थ्रू, और म्यूजिक सुन सकते हो, बस इतना ही उसका काम रहेगा. और दूसरा जो होता है इंटरकॉम सिस्टम. अब इसमें बहुत से ऑप्शंस आते हैं, इंटरकॉम टू राइडर इंटरकॉम आता है, फोर राइडर आता है, सिक्स राइडर, टेन राइडर्स. आपके ग्रुप साइज के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा मॉडल लेना है, कितने राइडर्स वाला. एंड इंटरकॉम डिवाइस ऑल्सो वर्क्स एज अ ब्लूटूथ, मतलब वो आपके फ़ोन से तो कनेक्ट करेगा ही, आपको जो मैंने ब्लूटूथ के फायदे बताए वो सारी चीज़ें वो भी करेगा, इंटरकॉम भी करेगा. लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इंटरकॉम सिस्टम का, वो है उसका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस. अलग अलग डिवाइसेस अपने हिसाब से या तो अपने सेम मॉडल के डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, या कुछ यूनिवर्सल डिवाइसेस भी होते हैं जो किसी भी दूसरे इंटरकॉम डिवाइस से कनेक्ट करेंगे. बट द मेन फीचर इज़ आप वायरलेसली ऑन द गो रनिंग में दूसरे राइडर से बात कर सकते हो, बिना रुके, बिना इधर उधर देखे, बिना ध्यान हटाए आप ईजीली दूसरे राइडर से कम्युनिकेट कर सकते हो. अब ग्रुप राइड्स में इंटरकॉम क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कौन से केसेस में कौन से मैसेजेस कन्वे करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये भी बात होती है कि कभी किसी एक राइडर को नींद आ जाती है तो उससे गप्पे लड़ाते हुए भी आप कंटिन्यू कर सकते हो राइड को, थोड़ा सा अगर आपको पुश करना है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता भी है कि एक ग्रुप राइड में समझो आप 5-6 लोग चल रहे हो, उसमें से किसी एक को थोड़ी सी नींद आ रही है तो बाकी राइडर्स उसे चीयर अप करते हुए, उससे बातें करते हुए राइड कंटिन्यू कर सकते हैं. जो डेडिकेटेड ब्लूटूथ सिस्टम्स है वो तो 1500 या 2000 रुपीज़ से अवेलेबल होती है, उसमें इंटरकॉम नहीं होता है, सिर्फ जो फ़ोन से कनेक्ट करती है वो 1500 या 2000 रुपीज़ से अवेलेबल होती है ऑनलाइन. और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली कोई हेलमेट्स भी ऐसे आए हैं जो डायरेक्टली उनमें बिल्ट इन ब्लूटूथ सिस्टम होता है, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरकॉम, तो इंटरकॉम में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे विनेट फोन V6 हुआ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, एंड इट इज़ वर्थ द मनी. आपको 3500 से लेके 4000 के बीच में वो मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन किसी स्टोर में लेने जाएंगे तो. बट अभी मैं खुद पिछले
चार साल से यूज़ कर रहा हूँ विनेट फ़ोन, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें। इतना ही इशू है कि वो अगर ज़्यादा बारिश में आप लेके जाओगे तो थोड़ा सा उसमें पानी सिपेज हो जाता है, लेकिन हल्की बारिश में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी विनेट फ़ोन V6 के बहुत सारे काउंटर पार्ट्स भी अभी मार्केट में आ चुके हैं, मतलब अलग अलग नाम से। उसमें एंड में V6 कॉमन होता है और अलग अलग नाम से आते हैं। पता नहीं वो कितने लेजिटिमेट है, पता नहीं वो कितने रिलायबल है, मैंने तो कभी बाकी कोई यूज़ किया नहीं है। बट येस, देर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल। वो आपको 3500 से 4000 की रेंज में आ जाते हैं। एंड देन इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू सम मोर रिलायबल मॉडल्स, तो फिर आप ASG ले सकते हो। ASG में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ASG 02, ASG 05। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ राइडर्स उसके अलग अलग मॉडल्स है। ASG जो है वो सर्टिफाइड वाटर प्रूफ आता है, तो उसमें शायद मेरे ख्याल से वाटर प्रूफिंग की भी वारंटी आती है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो अ स्टेप फर्दर, देन सेना के बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है। सेना इज़ यू कैन से आज की तारीख में वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरकॉम ब्रांड, तो उसका कॉस्टिंग भी उस हिसाब से है। मेरे ख्याल से सीना 10,000 के ऊपर ही स्टार्ट होता है, एंड दे हैव मॉडल स्टिल 40,000-50,000 रुपीज़। उसमें तो ऐसा भी एक मॉडल आता है जिसमें इंटरकॉम के अंदर ही कैमरा भी बिल्ट इन है। फिर कुछ ऐसे भी मॉडल्स है इवन ASG में जिसमें बिल्ट इन आपका FM रेडियो सर्विस भी होता है। तो अलग अलग चीज़ें आती है, जितने उसमें फीचर्स ऐड होते जाएंगे उतना उसका कॉस्टिंग भी बढ़ता जाएगा। तो आपके बजट के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है उसमें। लेकिन एक चीज़ मैं बोल तो सकता हूँ कि इंटरकॉम में इन्वेस्ट करना वर्थ है। अगर आप सोलो भी राइड करते हो तो भी वर्थ है। अभी मैं ग्रुप राइड ज़्यादा करता नहीं हूँ, राइड करते हैं तो मैं और प्रियंका या फिर मैं सोलो राइड करता हूँ। लेकिन अगर सोलो राइड पे भी मैं जाता हूँ ना, एटलीस्ट आई कैन अटेंड टू द कॉल्स। अगर मैं GPS लगाता हूँ, मैप लगाता हूँ, तो मुझे फ़ोन की तरफ देखते बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं मैप्स लगा के GPS ऑन करके फ़ोन अंदर रख देता हूँ, एंड द वॉइस नेविगेशन कीप्स गाइडिंग मी थ्रू माई इंटरकॉम। तो उससे भी बहुत बहुत लाइफ ईजी हो जाती है, क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो बेसिकली अटेंशन है आपका, वो रोड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वही तो पर्पस है, सारी चीज़ों का पर्पस वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट ना हो रोड पर से, और वो काम इंटरकॉम आपका एकदम परफेक्टली करेगा। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपके पिलियन के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो बाइक पे पीछे बैठने वाला है ना, उसकी टोटल अलग दुनिया होती है। अभी मैंने जो भी पॉइंट्स बताए उसमें से कोई भी पॉइंट उसको अप्लाई नहीं करता। रीज़न बीइंग, आपको राइड करते वक्त रोड पे फोकस रखना है, रोड पे ध्यान रखना है। ग्रुप राइड करते वक्त दूसरे राइडर की तकलीफें आपको सुननी है, कि उसको कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है या उसे रुकना है या उसे फ्यूल अप कराना है, जो भी करना है वो राइडर को सुनना है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके लिए एक राइडर के लिए इंटरकॉम इम्पॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट द पिलियन? तो पिलियन के लिए इंटरकॉम क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, पिलियन से ही सुनते हैं। लेट्स इन्वाइट प्रियंका फॉर दैट। हेलो। आज सोन्याचा दिवस है, ऑलमोस्ट बहुत दिन बाद काउंटिंग किलोमीटर मराठवाड़ा राइड के बाद आज दिख रही है। दर्शन महाग झाले आजकल, घरात असून पण काउंटिंग किलोमीटर्स वर येत नाही। रीजन बीइंग, काउंटिंग स्माइल्स और माय मराठी शेफ दो नए चॅनल्स चालू किए मॅडम ने, खुद के दो चॅनल्स, कॉम्पिटिशन है हमारे घर में। अगर आप मराठी हो, महाराष्ट्रीयन हो, आपको मराठी समझती है, तो यू शुड गो एंड चेक आउट दोज चॅनल्स। काउंटिंग स्माइल्स ये जो चॅनल है, इस पे ये मैडम मेन अट्रैक्शन नहीं है, वो युवा पे फोकस्ड है चैनल। युवा का डे टू डे लाइफ और युवा दिन भर में क्या करती है, ये सारी चीज़ें हम काउंटिंग स्माइल्स पे दिखाते हैं। तो हम नहीं दिखाते, सिर्फ प्रियंका दिखाती है। मैं उसमें गेस्ट अपीयरेंस देता हूँ। तो काउंटिंग स्माइल्स ये चैनल आप ज़रूर चेक करो जाके। इफ़ यू अंडरस्टैंड मराठी, यू लव इट, यू विल एन्जॉय इट, क्योंकि उसमें पूरा कंटेंट ही ऐसा होता है जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तभी तो उसका नाम है काउंटिंग स्माइल्स। और जो माय मराठी शेफ मैंने चैनल बताया, वो चैनल आई एम अनाउंसिंग इट थ्रू दिस वीडियो ओनली। आज ही ये चैनल हम अनाउंस कर रहे हैं ऑन 22nd of April 2021। चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द डिफरेंट रेसिपीज़ जो मेरी माँ बनाती है, प्रियंका बनाती है, और प्रियंका को जो जो पसंद है, जो अलग अलग जगह पे उसने अलग अलग रेसिपीज़ देखी है, तो वो सारे फूड आइटम्स किस तरह से आप डेलिकेसीज बना सकते हो, ये सब डिटेल्स आपको मराठी में इन शॉर्ट, इन स्वीट लैंग्वेज, एकदम आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश प्रियंका उस चैनल पे करने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट प्रियंका फॉर बोथ दीज चैनल्स। और अगर आपको मराठी समझता है तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट दोज चैनल्स। हमारे चैनल पे फीचर्ड में ये दोनों चैनल्स है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों चैनल्स का लिंक दे रहा हूँ। सो प्लीज़ गो एंड चेकआउट, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे, कि एज अ पिलियन जब आप पीछे बैठते हो तो आपको ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है कि आपको किसी और से कम्युनिकेट करना है राइडर से, या फिर आपको GPS देखना है, या फिर रोड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसमें से तो कोई भी पॉइंट्स आपके लिए मैटर नहीं करते।
तो फिर इन दैट केस पिलियन के लिए क्या इंटरकॉम जरूरी है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पिलियन को पीछे बैठ के करने के लिए इतना कुछ, मतलब करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ वहाँ देखते रहो। अरे उसी के लिए तो ट्रैवल करते हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यू मीन टू से उसका ओवरडोज हो जाता है। हाँ फिर तो इसलिए बीच में बातें करने के लिए तो इंटरकॉम बहुत ही ज़रूरी है। किससे बात करने के लिए? घर वालों से। वेल जोक्स अपार्ट, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि पिलियन को पीछे बैठ बैठ के एक्चुअली कुछ नहीं होता है करने के लिए। मैं बैठा हूँ एज अ पिलियन, ज़्यादा नहीं 50 किलोमीटर बैठा हूँ, लेकिन 50 किलोमीटर में पता चल गया था मुझे कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, अपना अपने हाथ में हैंडल बार ही अच्छा है। पीछे बैठने के बाद क्या होता है ना, आपको नींद आने लगती है स्पेशली। हाँ। वो सबसे बड़ी बात है जब आप फुल डे राइड्स करते हो, मल्टीपल डेज लॉन्ग राइड पे आप जाते हो ना, तो स्पेशली लंच के बाद दोपहर के टाइम में जब धूप ज़्यादा होती है तो आप इधर उधर देख भी नहीं सकते क्योंकि बहुत हार्श सनलाइट होता है, तो अपने आप आँखें बंद होने लगती है। एज वी वर टॉकिंग पीछे से एक गाड़ी आई जो अनाउंस कर रही है आज से 1 मई तक लॉकडाउन अनाउंस किया है फिर से, तो घर से ना निकले वगैरह सब वो गाइडलाइंस पूरा अनाउंस करते हुए गए, वो सुन रहे थे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी, घर से ना निकले, 1 मई तक घर में ही रहो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लाते रहेंगे, वो देखते रहो। तो हाँ जो पीते तुला पूरे बैक टू द टॉपिक। विदाउट इंटरकॉम जब बात करने जाती हूँ मैं कुंदन के साथ, तो बार बार उसे ऐसे बुलाना पड़ता है कुंदन कुंदन करके, और उसे समझने तक हम बहुत आगे पहुँच जाते हैं। वो मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि शी वॉन्ट्स टू टेल मी कि अरे यार ये साइड में देख बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है, फोटो लेना है या यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं, या फिर उसको प्यास लगी है मुझे यहाँ पे रुकना है यार यहाँ पे पानी का बॉटल मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो जो बोल रही है वो मुझे समझ में आए तब तक हम लोग आगे निकल चुके होते हैं। और बाइक भी स्लो करनी पड़ती है उसके लिए, सुनने के लिए क्या बता रही है वो सुनना। एग्जैक्टली कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, रोड पर से फोकस डाइवर्ट होता है। इसकी बात सुनने के लिए मुझे हेलमेट की कांच खोल के ऐसे क्रॉस होके उसकी तरफ थोड़ा झुकना पड़ेगा तभी मुझे उसकी बात सुनाई देगी, तब तक सुनाई नहीं देगी। तो उतने टाइम में जैसा मैंने बताया जिंदगी और मौत के बीच में फासला हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे देख के वापस आने तक कोई घुस सकता है आपके सामने। तो यस, इंटरकॉम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ पिलियन ऑल्सो, क्योंकि अगर पिलियन को नींद आ जाती है तो फिर उसकी वजह से गाड़ी ऑफ बैलेंस होने के भी चांसेस होते हैं। सो आफ्टर ऑल एवरीथिंग कम्स टू योर सेफ्टी, आप जितना स्टेबल राइड कर सकते हो उसके लिए ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इवन द इंटरकॉम। ऐसा नहीं है कि इंटरकॉम कोई लग्जरी आइटम है जो आपको सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए लेना होता है, उसका भी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। म्यूजिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईयरफोन कान में डाल के उस पर हेलमेट करके वो कंफर्टेबल नहीं होता। और जब भी हम राइड पे जाते हैं तो इसका जियो का 1 GB पर डे कम पड़ता है क्योंकि बोलती है म्यूजिक लेकिन दिन भर पीछे बैठ के ना यूट्यूब देखती रहती है। आधा टाइम मैडम वीडियो कॉल पे होती है ईवा के साथ, ईवा घर पे होती है। हाँ। पीछे बैठ के इंटरकॉम में वीडियो कॉल चालू, बातें कर रही है, गप्पे लड़ा रही है घर पे, और मैं बन जाता हूँ बुरा बंदा। मतलब मैं तो ईवा से बात ही नहीं करता, बाबा का फोन ही नहीं आता, मम्मा तो दिन में 4 बार फोन करती है। ये मतलब ना एक कॉन्स्पिरेसी है मेरे खिलाफ। इन शॉर्ट, राइडर से इजीली कनेक्ट होने के लिए पिलियन को भी इंटरकॉम होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, राइडर के लिए जरूरी है, तो ये तो आपको अभी तक कन्विंस हो चुके होंगे आपके राइडर के लिए क्यों जरूरी है, मेड बी सोलो राइड्स और ग्रुप राइड्स। मेरे ख्याल से 2018 से तुम्हारे पास है इंटरकॉम, राइट? हाँ। बीच में थोड़े टाइम के लिए नहीं था क्योंकि वो एक खराब हो गया था, जैसा मैंने बताया V6 में थोड़ा सा हैवी रेंज में पानी चला जाता है, तो मेरा एक डिवाइस खराब हो गया उसकी वजह से, लेकिन दूसरा डिवाइस अभी भी चल रहा है। तो अभी रिसेंटली मैंने नए हेलमेट के साथ नया इंटरकॉम भी प्रियंका के लिए लिया है, तो नाउ वी आर बोथ कनेक्टेड एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी इंटरकॉम को सीरियसली लोगे एंड यू विल बी कनेक्टेड टू योर फोन एंड टू योर को राइडर्स ऑन योर नेक्स्ट राइड। जब भी ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप राइड के लिए निकलते हो तब, अभी के लिए घर पे ही बैठना है और कुछ कर नहीं सकते। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ या फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।